फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर डिवीजन। वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वन। ओके, दिस पेज। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स हियर। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। आपके पास वर्कबुक है तो वर्कबुक में सॉल्व करो या फिर नोटबुक में। देयर इज सम इज दैट डिवाइड रुपीज 144 इक्वली अमंग 8 पीपल। हाउ मच अमाउंट डज ईच वन गेट। देखो आपके पास कितने 144 रुपीज़ है तो आपको 8 पीपल में डिवाइड करना है तो सबको कितने रुपीज़ मिलेंगे। लुक हियर, राइट हियर, 144 डिवाइडेड बाय 8। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको 8 का टेबल बनाना है। 8 वन ज़ार 8, 8 हम लोग स्टार्ट एक एक नंबर लेने का। फर्स्ट वन 8, यहाँ पे 1 है, 1 इज द स्मॉलर देन 8, सो हम लोग क्या करेंगे 0 का डिवाइड करेंगे 0 से। 8 ज़ीरो ज़ार 0, अगर ये नंबर स्मॉल है तो। ओके, 8 ज़ीरो ज़ार 0। नेक्स्ट नंबर इज 4, सॉरी ये क्या करना है हमें भी माइनस 1 है ना, 1 माइनस 0 1। नेक्स्ट नंबर इज 4 14। अभी देखो 8 के टेबल में देर इज नो 14 हियर। 8 वन ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 इज बिगर नंबर दैन 14, सो 8 वन ज़ार 8 अभी इसमें से माइनस होगा, सो 8 वन ज़ार 8। ओके, 14 माइनस 8 कितना आता है, 14 माइनस 8 6 है ना। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 4, राइट हियर 4 64। अभी देखो 64 है, इज देयर 64 इन द टेबल ऑफ 8, यस 8 8 ज़ार 64, 1 2 3 4 5 6 7 8, 64 है, 8 8 ज़ार 64। माइनस करो, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, इज इट। तो योर आंसर इज ईच वन गेट 18 रुपीज़। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी बैग्स आर रिक्वायर्ड टू फिल 150 kg ऑफ फिट इफ ईच बैग कैन होल्ड 5 kg। अगर एक बैग में 5 kg है तो 150 kg के लिए कितने बैग चाहिए। हियर अगेन डिवाइडेशन। ओके, 150 डिवाइडेड बाय 5। आपको जीरो का कब लगाना है, देखो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर, देर इज नंबर 1, तो 5 के टेबल में 1 नहीं है। 5 का टेबल तो सबको आता है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 30 35 40 45 50। ओके, अभी देखो ये आपके डिवाइडेशन के लिए ऐसे टेबल लिख के रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, अभी देखो नंबर फर्स्ट क्या है, 1 1 इज स्मॉलर देन 1, और 5 के टेबल में 1 आता ही नहीं है, सो व्हाट डू वी डू, 0 5 0 ज़ार 0। ओके, 1 माइनस 0 1। नेक्स्ट नंबर इज 5 5, लिखो यहाँ पे द नंबर इज 15 15 इज देयर, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 15 तो है इसमें है ना, माइनस करो, 15 माइनस 15 0, और ये वाला 0, यू मस्ट राइट हियर, 5 0 ज़ार 0, 30। ओके, सो 30 bags। अंडरस्टैंड, इजी है। नेक्स्ट वन इज देयर आर 380 eggs, टू प्लेस 8 eggs इन ईच बॉक्स। कितने eggs है आपके पास, 380 और एक बॉक्स में आपको 8 eggs प्लेस करना है। सो हाउ मेनी बैग्स आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी eggs आर लेफ्ट, और कितने बैग रहेंगे और कितने एग्स बचेंगे। आपको यहाँ पे फिर से 8 का टेबल लिखना है, हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर, दैट इज 3, देर इज नो 3 इन द टेबल ऑफ 8, सो हम लोग क्या करेंगे, और वो स्मॉलर देन 8 है, ये 8 से छोटा नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 का 8 0 ज़ार 0। जब ये नंबर छोटा होता है ना इससे, तब हमें 0 का 0 से डिवाइड करना है पहले। 8 0 ज़ार 0
3 minus 0, that is 3. Next number is 8, 38. अभी देखो 8 के टेबल में तो 38 नहीं है, लेकिन 38 से स्मॉल नंबर कौन सा है? 32, है ना. 40 तो बिगर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर क्या आता है? 32. 24 नहीं, थोड़ा स्मॉल नंबर लेने का, 32. सो 8 4 जा 32 माइनस करो. सो 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 3 0. नेक्स्ट नंबर इज 0. ये नंबर है ना 0, वो ले लो इधर, नंबर हुआ 60. हाँ, अभी 8 के टेबल में 60 तो है नहीं, स्मॉलर नंबर क्या है? 56. 64 इज अ बिगर नंबर, है ना. 60 से 64 माइनस नहीं होंगे, तो स्मॉल नंबर क्या आता है? 56. 56 कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7. 8 7 जा 56 माइनस 56, 57, 58, 59, 60, दैट मीन्स 4, है ना. तो इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे बाकी इधर जीरो आया क्या? पूरा बैलेंस जीरो है, रिमाइंडर जीरो है, नहीं. दैट मीन्स बॉक्स कितने होंगे? 47 बॉक्सेस होंगे. और हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट? कितना रिमाइंडर है? 4. दैट मीन्स 4 लेग्स आर लेफ्ट हियर. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन है, देयर आर 500 चॉकलेट्स. देयर आर 7 क्लासेस. हाउ मेनी चॉकलेट डज ईच वन ईच क्लास गेट? चॉकलेट्स कितने हैं? 500. ओके, एंड क्लासेस कितने हैं? 7. ओके, तो अब हमें वो कौन सी कितने क्लास में डिवाइड होंगे? 7 का टेबल लिखो, लिखो यहाँ पे. अभी देखो ये देखो, फर्स्ट नंबर है 5, तो 5 स्मॉलर देन 7, तो हम लोग क्या करेंगे? ये नंबर छोटा है, स्मॉल है, इसे तो क्या करते हैं? 0 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 0 जा 0. हाँ, फर्स्ट नंबर, एक एक नंबर को लेना है हमें, मालूम है ना. सो 5 माइनस 0 इज 5. नेक्स्ट नंबर क्या है? 0, दैट इज 50. अभी 50 तो नहीं, देर इज नो 50 इन द टेबल ऑफ 7. सो 50 से स्मॉल नंबर क्या है? 49. 56 इज अ बिगर नंबर, सो 49. 7 7 जा 49. दैट मीन्स 49 माइनस 50, 50 माइनस 49, दैट इज 1. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर है 0, लिखो यहाँ पे, है ना. 0 तो 10 नंबर, देर इज नो 10. सो 10 से स्मॉल नंबर क्या है? 7. 14 इज बिगर, सो 7 1 जा 7 1 जा 7. सो 10 माइनस 3 7 इज द 3. ओके, सो दैट मीन्स ईच क्लास गेट 71 चॉकलेट्स. एक क्लास को 71 चॉकलेट्स मिलेंगे. एंड हाउ मेनी लेफ्ट? कितने बचेंगे? 3. ओके, समझ में आया. अब देखो ये वाला इजी है, डिवाइजन ये रिवाइज है. देखो अगर ये नंबर स्मॉल है, इससे ये नंबर स्मॉल है, तो अभी मैंने पढ़ा आपको एक एक नंबर लेने का. फर्स्ट 1, 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो 7 0 जा 0. ओके, माइनस करो, माइनस 1 माइनस 0 1. नेक्स्ट नंबर इज 4. अब कौन सा नंबर बनाए थे? 14, देर इज 14. 7 2 जा 14. ओके, माइनस 14 माइनस 14 0. नहीं, ये नीचे लिया था हमने. अभी नेक्स्ट नंबर इज 8. 8 लिखो इधर. तो 8 आता है 7 के टेबल में? नो, देर इज नो 8. तो 7 1 जा स्मॉल नंबर 7 ही है ना, 7 1 जा 7. सो 8 माइनस 7 इज 1. ओके, अभी देखो ये बिग नंबर है, दिस इज द बिगर नंबर, है ना. तो 4 के टेबल में 8 आता है? यस, 4 2 जा 8, है ना. 4 का टेबल तो आता है सबको. 8 माइनस 8 0. अभी ये वाला 0 लिखो इधर,
फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो माइनस ज़ीरो नेक्स्ट ज़ीरो ये भी अगेन फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ओके हियर सिक्स फर्स्ट नंबर है सिक्स सिक्स वन ज़ार सिक्स सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो नेक्स्ट नंबर इज़ टू अभी देखो टू स्मॉल नंबर है ना तो हमें स्मॉल नंबर रहेगा इससे तो क्या करते हैं सिक्स ज़ीरो ज़ा ज़ीरो है ना ओके सो टू माइनस ज़ीरो टू नेक्स्ट नंबर इज नाइन ट्वेंटी नाइन सिक्स के टेबल में ट्वेंटी नाइन आता ही नहीं है थ्री सिक्स थ्री ज़ार एटीन सिक्स फोर ज़ा सॉरी सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर दैट मीन्स नाइन माइनस फोर फाइव ओके अंडरस्टैंड अभी ये वाला फाइव विद अगेन स्मॉल नंबर है ज़ीरो फाइव ज़ीरो ज़ार ज़ीरो माइनस फोर माइनस ज़ीरो फोर नेक्स्ट नंबर इज सिक्स नंबर इज फोर्टी सिक्स अभी ना फाइव के टेबल में फोर्टी सिक्स तो नहीं है लेकिन फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव स्मॉलर नंबर फोर्टी फाइव आता है ना सो फोर्टी सिक्स माइनस फोर्टी फाइव दैट इज़ वन है ना नेक्स्ट नंबर इज सिक्स सिक्सटीन सिक्सटीन भी नहीं है सो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन वन ओके लास्ट वन अगेन हियर वन स्मॉल नंबर ए है तो ज़ीरो का नाइन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो माइनस एट सेवन एटी सेवन अभी नाइन के टेबल में एटी सेवन नहीं है है ना एट नाइन ज़ा एटी वन दैट इज सेवन माइनस वन सिक्स ओके लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस डिवाइडेशन ओके नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर पिक्टोग्राम अभी ये दो ही बाकी ये भी करते हैं हम लोग देर आर थ्री ट्वेंटी फ्लावर्स देर आर एट फ्लावर्स इन ईच बकेट बुके हाँ सो सम इज थ्री ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एट पहले ज़ीरोज़ आर स्मॉल नंबर है ना थ्री सो थ्री नेक्स्ट नंबर इज़ टू एट फोर ज़ा थर्टी टू ज़ीरो ज़ीरो और ये वाला एक फोर्टी तो हाउ मेनी बंके बुके कैन बी मेक हाँ फोर्टी हाउ मेनी बुके फोर्टी है ना बुकेट्स नेक्स्ट हियर दिस वन देयर इज रजनीकांत कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 189 किलोमीटर इन नाइन डेज ही ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एवरी डे हाउ मच किलोमीटर डिड ही ट्रैवल एवरी डे क्या है 189 डिवाइडेड बाय नाइन अगेन स्मॉल नंबर है तो ज़ीरो फर्स्ट नंबर वन माइनस ज़ीरो वन नेक्स्ट नंबर इज एट नाइन टू ज़ा एटीन ओके एटीन माइनस एटीन ज़ीरो नेक्स्ट नंबर इज नाइन हियर नाइन वन ज़ार नाइन दैट इज ज़ीरो सो हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल एवरी डे ही ट्रैवल 21 किलोमीटर एवरी डे समझ में आया तो इतना आपको क्या करना है डिवाइडेशन का कंप्लीट हुआ अभी हमारा वर्कबुक भी जो भी आपको डिफ़िकल्टी है मुझे कॉल करो ये देखो इधर भी वर्ड्स प्रॉब्लम है मैंने तो ये लिया नहीं था आपका है ना इजी है ये
ये आपको सॉल्व करना है, इजी वन, ये होमवर्क में करो सॉल्व, ये 1, 2, 3 and 4, अंडरस्टैंड? एंड सेंड मी ऑन माय नंबर, ओके, ठीक है, ओके। ये भी आपका बाकी है, दिस वन 300 / 3 कितना 100, टेन से इसके लिए ऐसे लिखा है, 2, 3 जा 300, 5, 2 जा 10, 200 मतलब 4, 5 जा 20, 3, 3 जा 9, 3 यूनिट मतलब 3, 8, 5 जा 14, 5 टेन्स मतलब 50, ओके, इस तरह से कंप्लीट करो और मुझे सेंड करो, ओके।